राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा रद्द हो गया है, बड़ी खबर आ रही है। 14 नवंबर को देवघर मंदिर में दर्शन का था कार्यक्रम और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर कार्यक्रम रद्द हो गया है। वह 15 नवंबर को दिल्ली से सीधा रांची पहुंचेंगी। राष्ट्रपति झारखंड के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। चूंकि 14 नवंबर को शेड्यूल के मुताबिक उन्हें देवघर जाना था, जहां वह पूजा अर्चना करने के बाद फिर 15 नवंबर को रांची में शिरकत करना था, स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करना था। फिलहाल बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा जो है रद्द हो चुका है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, स्थापना दिवस के साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है और इस अवसर पर झारखंड आगमन कर रही है द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति महामहिम जो कि पिछले राज्यपाल भी रह चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमरनाथ हमसे जुड़ रहे हैं। जी अमरनाथ, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जिस प्रकार से 14 नवंबर को देवघर जाना था, फिर झारखंड स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत होना था, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कल कार्यक्रम था देवघर में। वह 1:45 में यहाँ पहुंचने वाली थी और इसके बाद वह बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर में पूजा करने जाने वाली थी और वहां से सीधे सीधे वो फिर रांची लौटने का उनका कार्यक्रम था। उसको लेकर के राज्यपाल का आने का कार्यक्रम यहाँ पर तय हो चुका था। राज्यपाल यहाँ 11 बजे दिन में कल पहुंचने वाले थे माननीय राष्ट्रपति जी की अगुवानी करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर देवघर की हम बात कर रहे हैं तो देवघर में स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से ये जो राष्ट्रपति महोदय का जो आगमन के सारे जो रूट तय किए गए थे उन रास्ते पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे। मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट हो चुका था, साथ साथ मंदिरों में का भी सजावट का काम शुरू हो चुका था, लेकिन अचानक ऐसे में राष्ट्रपति का देवघर आने का कार्यक्रम रद्द हुआ है। उसको लेकर के हालांकि देवघर वासियों में काफी मायूसी है। देवघर वासी भी पलक पहाड़ बिछाए हुए थे कि वह राष्ट्रपति देवघर आएंगी, उनका स्वागत करेंगे। हालांकि ये कार्यक्रम अभी रद्द हो गया है, जानकारी ऐसी मिल रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद वह देवघर का वो सीधे दौरा करेंगी। जी अमरनाथ, जैसा कि देवघर में हमारे सहयोगी दीप नारायण से बात हुई थी, जहां उन्होंने कहा था कि जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और मंदिर की साफ सफाई के साथ साथ जो है जो आम श्रद्धालु है उनको भी जो है पूजा अर्चना के लिए रोक लगा दी गई थी, अब इस बीच रद्द होने की खबर आ रही है। देखिए वाकई राष्ट्रपति जब देवघर में कार्यक्रम था और ऐसे में मंदिरों में मंदिर के भीतर आम श्रद्धालु अगर आते तो सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो सकती थी। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने कल दिन के 9 बजे से लेकर के अपराह्न 3 बजे तक बाबा मंदिर में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया था। हालांकि अब जब चुके राष्ट्रपति जब नहीं आ रही है यहाँ पर, तब उन रोक को हटा दिया गया है और अब आम श्रद्धालु बैद्यनाथ के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना कर सकेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक स्तर पर काफी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ साथ साफ सफाई को लेकर के नगर निगम की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा था। आज दोपहर दिन में ही आज जिस रास्ते से महामहिम का बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आगमन होना था उन रास्तों से अतिक्रमण हटाने का काम नगर निगम के उपायुक्त आयुक्त के नेतृत्व में चलाया गया था, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। और कुल मिलाकर अगर हम कहें तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही थी। जी जी अमरनाथ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शन का था कार्यक्रम जहां महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली थी, इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि उनका जो देवघर दौरा है वो रद्द हो चुका है। अब सीधा 15 नवंबर को झारखंड के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।